किसी भी सिटीजन को समझने के लिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो सेडिशन होता क्या है देखिए इंडियन पीनल कोड का धारा नंबर 124 ए यानी कि 124 ए दैट रिलेट्स टू सेडिशन एंड वो आपको कहता है कि राष्ट्र दो का अपराध क्या होता है ठीक है सो सेडिशन मींस दैट वेदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन एनी टू ब्रिंग or और or or disaffection टूवर्ड्स गवर्नमेंट established by लॉ मतलब ये एंटी नेशनल के साथ साथ एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के ऊपर भी नजर रखता है तो कोई भी अगर ऐसी चीज ऐसी शब्द ऐसी स्पीच ऐसी राइटिंग ऐसा कार्टून ऐसी मूवी ऐसी पिक्चर रिलीज कर देता है जिसके तहत वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो हेट्रेड फैलाना चाहता है नफरत फैलाना चाहता है वो सेडिशन कहलाता है अब देखिए कितनी ओपन एंडेड डेफिनेशन है किसी भी चीज को आप सेडिशन बोल सकते हो अगर इस वर्ड्स के हिसाब से चला जाए लेकिन ओवर द इयर्स इस डेफिनेशन में बदलाव आए पहले तो देखते हैं कि इस सेडिशन लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे के सारे, के सारे केसेस जो अभी तक इस लॉ के तहत चल रहे हैं प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको स्टे कर दिया जाए मींस नॉट एन स्टे ऑर्डर बट अबेयंस में रखा जाए अबेयंस का मतलब कि आगे इसके किसी के खिलाफ ना तो सेडिशन का केस फाइल किया जाए और ना ही उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाए तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको कुछ दिनों पहले ये कहा था कि हम इस सैडिशन लॉ को रिकन्सिडर करेंगे री एग्जामिन करेंगे इस लॉ के ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन सवालों से पहले देख लेते हैं कि यह हमारी रूल बुक में आया कैसे यह एक ब्रिटिश इराका लॉ है और कॉलोनियल लेगेसी है। 1835 के अंदर जो सबसे पहला लॉ कमीशन बना था भारत का उसके चेयरमैन थे श्री थॉमस मेकोले साहब और मैकौले साहब ने जो एक लॉज को कोडिफिकेशन करके आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी ये सब कोड्स बनाए थे उसमें 1860 में इंक्लूडेड था इंडियन पिनल कोड यानी कि किसी भी क्राइम की क्या सज़ा होगी वो इस पिनल कोड में लिखा होता है अब ड्राफ्ट लॉ के अंदर सेडिशन एक क्राइम डाला गया था लेकिन जब ये पिनल कोड रिलीज किया गया ना तब ये क्राइम नहीं डाला गया ऐसा कहा जाता है कि ये मिस्टेक से हुआ चलिए मिस्टेक को उन्होंने सुधारी ब्रिटिशर्स ने और 1890 में सेडिशन को इंक्लूड कर दिया अंडर सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी और बस तभी से शुरू हो गया ब्रिटिश राज का सेडिशन चार्जेस या सेडिशन के केसेस फाइल करना किनके ऊपर जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाए तो सबसे पहला भाई प्रोफाइल केस 1892 में हुआ जहां पे कैलकटा की हाई कोर्ट ने बंग भाषा नाम की एक बंगाली मैगजीन थी उनके खिलाफ सेडिशन चार्जेस को सही ठहराया और ये कहा कि आप अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी आर्टिकल स्पीच लेटर लिखते हो तो यह तरीके से केसेस को ब्रिटिश इंडिया में कोर्ट्स देखते थे दैट इवन क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इज अब इस लिहाज से श्री बाल गंगाधर तिलक जी जिनके ऊपर दो बार ही सेडिशन चार्जेस लगे आर्टिकल्स और स्पीचेस जो उन्होंने दी उनकी वजह से 1919 में एनी बेसेंट 1921 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और 1924 में खुद महात्मा गांधी के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए तो ब्रिटिश एरा में तो ये एक टूल होता था होता था कोई भी अगर व्यक्ति ब्रिटिश को क्रिटिसाइज करता था तो उसके ऊपर ये sedition charges लगा देते थे क्योंकि जैसा हमने देखा इसकी definition थोड़ी सी वेग है और उसको क्लियरली डिफाइन करना मुश्किल है जब हमारा संविधान बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सेडिशन शब्द हम नहीं रखेंगे बिकॉज इट इज कॉलोनियल लेगेसी लेकिन उन्होंने फंडामेंटल यानी कि आर्टिकल 19 वन जो फंडामेंटल राइट right है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स ने सडिशन के बारे में क्या क्या कहा है सबसे पहली बार नाइनटीन फिफ्टी में रोमेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि स्पीच और एक्सप्रेशन जब तक सिक्योरिटी को डायरेक्टली थ्रेटन नहीं करती है। या आपकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के बारे में नहीं कहती है तो वो सेडिशन नहीं है मतलब आजादी के बाद से की डेफिनेशन को नैरो करने की कोशिश की गई 1951 तारा सिंह गोपीचंद केस था और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि सेडिशन का जो लॉ है वो आर्टिकल नाइनटीन वन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है कॉन्ट्रोवेंशन है क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपके अगेंस्ट सेडिशन लॉ लगाया जा सकता था उन सर्कमस्टांसेस के अंदर 1959 में अलाहाबाद कोर्ट कहता है रामनंदन केस के अंदर कि 124 है। तो उसने सीधा ही कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि के खिलाफ है। 1962 की सुप्रीम कोर्ट की जिसमें फाइव जजेस का बेंच बैठा था और इस केस का नाम है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया इस जजमेंट ने कहा कि देखिए सेक्शन 124 ए इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड क्यों क्योंकि उन्होंने कहा कि सेक्शन 124 ए सिर्फ तभी इन्वोक होना चाहिए जब कोई स्पीच या सेडिशियस आर्टिकल वायलेंस को इंसाइट करता है पब्लिक डिसऑर्डर को इंसाइट करता है तो उसने यह तो कह दिया कि सेडिशन लीगल है और कॉन्स्टिट्यूशनल है लॉ 124 ए के अंडर लेकिन सेडिशन को डिफाइन करने वाली डेफिनेशन उसने नैरो कर दी मतलब अगर आप सिर्फ आर्टिकल लिख रहे हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो सेडिशन नहीं है ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फिर भी उसकी डेफिनेशन इतनी वेग है कि अभी तक उसका मिस होता गया है नाइनटीन में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि अगर आप स्लोगन्स रेज करते हो और उन स्लोगन्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्लोगन्स हैं तब भी वो सेडिशन नहीं है क्योंकि अंटिल अनलेस आप वायलेंस वसाइट नहीं करते हो तब तक वो सेडिशन नहीं होगा अब ये सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशियरी का पहला पक्ष है इट इज नॉट आर मेनी अदर्स डोंट एग्री विद द कोर्ट बट जो कोर्ट ने जजमेंट दी है उसे मानना पड़ता है 2016 में अरुण जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया कि क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियरी विल आल्सो नॉट अमाउंट टू सेडिशन आपको बता दूं 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए एक कानून को दैट वाज एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था तो बीजेपी के नेता अरुण जेटली साहब ने क्रिटिसाइज कर दिया होगा इस जजमेंट को तो उनके अगेंस्ट सेडिशन का केस फाइल कर दिया कि देखिए ये गवर्नमेंट के द्वारा या लॉ मशीनरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अब ये भी नहीं होता ऐसा क्लियरली कोर्ट ने कह दिया और सेडिशन के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट है ये इतने ही नहीं है ये और भी हैं 2014 से लेके अभी तक जितने भी सेडिशन यानी एक सौ में फाइल किए गए हैं उसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है यानी कि आप लोगों के ऊपर केसेस फाइल तो कर देते हो लेकिन उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो ओवरऑल कन्विक्शन रेट अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो 30 परसेंट सत्रह परसेंट तीन परसेंट तो प्रूव नहीं हो पाता है सडिशन क्यों क्योंकि आपने बस चार्जेस लगा दिए होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो कोर्ट की टेस्टिमनी होल्ड नहीं कर पाता अब यह रिसेंटली क्यों न्यूज में आया रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी पिटिशन का एक बंच बनाया और उन पिटिशनकर्ताओं में कुछ जर्नलिस्ट थे जर्नलिस्ट जैसे कि किशोर चंद्र वांगखेमचा ये मणिपुर के एक जर्नलिस्ट है इन्होंने क्या किया था इन्होंने फेसबुक के ऊपर अपने कुछ कमेंट्स और पोस्ट ऐसे किए थे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को क्रिटिसाइज किया गया था और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर का एजेंट बोल दिया था अब कुछ ऐसी क्रिटिसिज्म एक और जर्नलिस्ट जिनका नाम है कन्हैयालाल शुक्ला ये छत्तीसगढ़ के जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक कार्टून बनाया था जिसके अंदर इन्होंने फेक डिपिट थे। कहा था कि जो राष्ट्र की सेना है अप्रोच किया और इसके साथ बहुत सारे इनके साथ लोग मिल गए जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि सडिशन का जो लॉ है ना ये वेग है किसी के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ एक पार्टी की गवर्नमेंट इसकी गिल्टी नहीं है जिस भी स्टेट में जाओ अगर कोई अपोजिशन रेस करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो सडिशन चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं उनके खिलाफ अब फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में रिसेंटली एक केस आया जिसमें नवनीत राणा और उनके हस्बैंड को ये दोनों इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और इनको हनुमान चालीसा बोलने के लिए कि हम जाएंगे और चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर जाके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे उसको एंटी नेशनल कह के सडिशन एक्टिविटीज़ के अंदर वन ट्वेंटी फोर ए में इनको अरेस्ट कर लिया गया वैसे ही अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान के जीतने पे खुशियां मनाती हैं तो इनके अगेंस्ट सेडिशन केसेस लगा दिए जाते हैं ये मेरा और आपका डिसाइड करने का मैटर नहीं है बट सोसाइटी एज अ होल नीड्स टू डिसाइड कि क्या कुछ चीज़ें सेडिशन के अंदर आनी चाहिए या क्या नहीं आनी चाहिए तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस या बहुत ही डिलीबरेटिव प्रोसेस है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हमें इसको रिलुक करना चाहिए सरकार भी ये मानी ऑल दो पहले सरकार का ये पक्ष नहीं था सरकार कहती थी कि केदारनाथ जजमेंट में तो बता दिया ना कि आप वायलेंस इंस्टिगेट करते हो तभी वो सडिशन केस होगा लेकिन ग्राउंड पे फॉलो तो नहीं हो रहा है वो और कौन कह सकता है कि फ्यूचर में क्या चीज वायलेंस इंस्टीगेट कर सकती है सो वी आर वेरी वेरी अनक्लियर अबाउट द रिपरक ऑफ सडिशन लॉ चलिए अगर हम कंपेयर करें बाकी देशों से यानी बाकी कंट्रीज से सबसे पहले वो देश जिसने इंडिया के अंदर ये सेडिशन लॉ लगाया यानी यूके यूके के अंदर ये सेडिशन लॉ जो है ये रिपील हो चुका है तो आज की डेट में वहां पे कोई सेडिशन लॉ नहीं है 2009 में रिपील हो चुका था ऑस्ट्रेलिया ने अपना सेडिशन लॉ जो कि यूके की, की कॉलोनी थी एक समय पर वो भी रिपील कर दिया है सिंगापुर ने रिसेंटली इसे रिपील किया और कहा है कि बाकी कई सारे कानून है हमारे पीनल कोड में जो सेडिशन के खिलाफ काम कर सकते हैं यूएस जो अपने आपको डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ग्लैडिएटर बताता है वर्ल्ड स्टेज पे उसने अभी तक सेडिशन लॉ रिपील नहीं किया उनके यहां अभी तक सेडिशन है और वो रिसेंटली जो जनवरी सिक्स दो में ये उनकी सेनेट के ऊपर या उनके कैपिटल हिल के ऊपर जो लोगों ने अटैक कर दिया था उनके खिलाफ सेडिशन लॉ लगाया गया है एंड दिस सेडिशन लॉ फॉरबिड एनी स्पीच कॉन्स्पिरसी टू इंटरफेयर डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट तो दोनों पक्ष हैं इसके एक तरफ वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर सेडिशन लॉ है और दूसरी तरफ जिन्होंने हमारी कंट्री में सेडिशन लॉ इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने अपना लॉ रिपील कर दिया तो किस पक्ष की तरफ हमें जाना चाहिए यह आने वाले समय में हमें जरूर पता लगेगा आगे क्या होगा जुलाई तक इस पर नजर बनाए रखेंगे और आप अपने व्यूज हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं थैंक यू